हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जियोफोन ऐप 220B के नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो, जब जियोफोन में नेटवर्क नो सर्विस इमरजेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है या नेटवर्क सर्चिंग करते रहते हैं, जियो वगैरह एलटी वगैरह कुछ लिख के नहीं आता, तो उसकी ये सिंपल प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले उसके तीन एंटीने चेक करने होते हैं। जो आपको ये नीचे तीन ट्रैक दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगे, रेड का गोला बना है इसके ऊपर, ये पॉइंट है 3, 1, 2, 3। इसके आसपास के पॉइंट ग्राउंड रहते हैं, बीच वाले पॉइंट पर कुछ नहीं बोलता ना, रीडिंग कुछ नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ इसकी ट्रैक यहाँ से इस पॉइंट तक चेक करनी है, बीप दे रही कि नहीं दे रही। आपको इस पॉइंट पर रख के मीटर आपका एक पॉइंट इस पर रखना, दूसरा पॉइंट इस पॉइंट पर रखना, चेक करना है। अगर बीप दे रहा है तो आपकी ये पूरी ट्रैक सही है, तो इस पर रीडिंग वगैरह कुछ नहीं आता ये बीच वाले पॉइंट पर। तो आसपास के इसके ग्राउंड रहते हैं, अगर इसके अगर ये सही है, अगर इस पर बीप आ रही है तो सही है, और फिर भी सिम नहीं आई तो आपको सीधा कुछ नहीं करना। WTR ये वाला जो IC है इसका, WTR IC नाम है इसका, WTR इसको चेंज करना है आपको। फर्स्ट नंबर पे कुछ नहीं करना, कोई PF वगैरह कुछ नहीं छेड़ना आपको, जैसा का जैसा सेट है वैसा वैसा रखना है। बस सीधा आपको WTR ही चेंज करना है। जियो फोन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम WTR से ही आता है, जो नेटवर्क एकदम नेटवर्क चला जाता है, यहाँ कभी आता है कभी जाता है, नो सर्विस आती है, LTE वगैरह लिख के नहीं आता, उसका प्रॉब्लम WTR से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको दूसरे सेट में निकाल के या न्यू WTR लेके, नए भी कभी कभी ख़राब निकलते हैं, आपको चालू सेट में से WTR, मतलब आपको जिसको पता हो इसकी नेटवर्क सही थे, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो बंद ही हो, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, उसका WTR निकाल के आपको इसमें दूसरे मॉल में डाल के आप नेटवर्क सॉल्यूशन कर सकते हो। ये आपका 100% ओके सॉल्यूशन है। अगर उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आता, फिर आप उसको जो अपना मन की इच्छा है जैसे चाहो वैसे रिपेयरिंग करके देख सकते हो, क्योंकि WTR चेंज करने से नेटवर्क आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता कभी कभार।